नमस्कार, मैं पिंकी देसी रसोई चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम रेसिपी तो नहीं लाए हैं, लेकिन हाँ, मैं कोरोना स्पेशल एक काढ़ा लेके आई हूँ। वो चाय का मसाला भी है और काढ़ा भी है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं और उनको खांसी हो जाती है, तो ये बड़ों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, सबके लिए है। आपको करना क्या है, इसको आप बहुत थोड़ा सा चाय में, अगर आप बना रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा इसको डालिए। और अगर आपको गले में खराश है और खांसी हो रही है, तो आप इसको 1/4 चम्मच आप काढ़ा बना सकते हैं। काढ़े के लिए आप 1 कप पानी रखो और उसको खौलाइए, पहले अच्छे से बॉयल हो जाए, आधा कप रह जाए। और उसके बाद आपको ये मसाला उसमें 1/4 चम्मच आपको डाल के 1 मिनट और उबालना है। और उसके बाद छान के आप उसको चाय की तरह पियेंगे। आप 2 से 3 दिन आप पियेंगे, आपकी कितनी भी खराश होगी, गले में खांसी कुछ भी होगा, वो सब ये काढ़ा एकदम से सही कर देगा। तो जो छोटे बच्चे होते हैं और अक्सर नहीं मानते, उनको खांसी होती है, मेरे यहाँ ही बच्चा है, वो नहीं मानता वैसे कभी, मेरे यहाँ बच्चों को जल्दी होती नहीं है। तो आपको करना क्या है कि जो काली मिर्च है, ये छोटा सा आपको नुस्खा बता रहे, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये बिल्कुल 100% फ़ायदा करता है। तो आपको करना क्या है, जैसे बड़े तो होते हैं, बड़ों के लिए ये है, 4 काली मिर्च आप लीजिए और उनको अच्छे से चबाइए और उनका जितना हो सके उतना रस आप चूसिए, 3 से 4 काली मिर्च का। और आप सुबह शाम कर सकते हैं ये, इसको 2 से 3 दिन में आपकी खांसी सही हो जाएगी और गले की खराश खत्म हो जाएगी। आप बच्चों के लिए क्या करना, बच्चे तो नहीं खा पाएंगे, तो बच्चों के लिए करना ये है कि आप 3 बार उनको दीजिए, सुबह 2 दे दीजिए और दोपहर में 2 दे दीजिए, शाम में 2 दे दीजिए। अब उनको करना कैसे, आप पीस लीजिए 2 मिर्च को, काली मिर्च को महीन सा उनका एक पाउडर सा बना लीजिए। और हनी सबके घर होता है, शहद सबके घर होता है, आधी चम्मच में काली मिर्च वो जो पिसी हुई है वो मिला के बच्चों को दीजिए। आप 2 दिन दीजिए, 3रे दिन की खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी, बहुत ही हल्की वल्की रह जाएगी। तो आप इनको 3 से 4 दिन दीजिए, कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम काढ़े के लिए आपको मसाले दिखाते हैं, और वो भी आपको किचन से ही सब कुछ मिलने वाला, कुछ चीज़ बाहर से नहीं लेनी है, सब किचन से मिलेगा। हमने ये मसाले ले लिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ किचन में ही मिलेगा। ये रही सौंठ, सौंठ आप ध्यान रखें कि यही वाली लें, ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है, पाउडर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि उसमें कीड़े लगने का डर रहता है और ये बढ़िया होती है, ये अच्छा रिजल्ट देती है। मैं अक्सर ये काढ़ा बनाती हूँ, जिस जिसको प्रॉब्लम हुई मैंने ये दिया तो उसको 2 से 3 दिन में आराम मिल जाता है। तो आपको ज़्यादा रखनी है सौंठ, और सौंफ, सौंफ को भी आपको ज़्यादा रखना, ये गले को साफ करती है। वैसे तो बहुत ही अच्छी सारी चीज़ें हैं, सबके बारे में बताएंगे तो बहुत बड़ा बिल्ड हो जाएगा। तो ये मैंने सौंठ ले ली है 100 ग्राम, और इसका 100 ग्राम होना ज़रूरी है। अगर आप ये मसाला मैं 2 महीने के लिए बना रही हूँ, और ये 100 ग्राम मैंने सौंठ ली है, ये लकड़ी के टुकड़े को दालचीनी भी बोलते हैं, ये मैंने लकड़ी के टुकड़े 4 ले लिए हैं, 1 चम्मच हमने ली है काली मिर्च, और 1 चम्मच हमने ली है अजवाइन, जो कि अजवाइन जैसे पेट पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके जैसे फैट हो रहा है पेट पे, या पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छी, मेथी और अजवाइन बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देती है। तो 1 चम्मच हमने अजवाइन लिए, 1 चम्मच हमने मेथी लिए, 3 हमने बड़ी इलायची ली है, 20 हमने छोटे इलायची ली है, 20 हमने लौंग ली है, जायफल 1 लिया है, जायफल जरूर डालें, ये बहुत ही अच्छा काढ़े में फायदा, बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचाता है काढ़े का। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है तुलसी की पत्तियाँ, तुलसी की पत्ती आप तोड़ लीजिए और उनको सुखा के रख लीजिए। और एक सीक्रेट बात बताएं, जैसे आप बाई चांस जैसे काढ़ा आपके पास नहीं है, तुलसी की पत्तियाँ आपके पास हैं, तो आप उनको सुखा के, जो चाय की पत्ती होती है ना, हम लोग रोज ही इस्तेमाल करते, तो उसमें आप यूँ हाथों से मसलते हुए उस चाय की पत्ती में मिला लीजिए, तो आपको तुलसी का रोज ही फ्लेवर मिलेगा चाय की पत्ती में। तो इन सबको मैं पीसने वाली हूँ। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ कि तुलसी की पत्ती आप कभी भी तेज धार की चीज़ों, चाकू कैची या नाखून से कभी ना तोड़ें, और तोड़ने से पहले तुलसी मैया को एक बार उनसे परमिशन जरूर लें, ऐसे ना छूएं उनको, एक बार जरूर उनको बोलें कि मुझे आपकी आवश्यकता है, कुछ पत्तियाँ चाहिए, तो आप उसके बाद तोड़ सकते हैं, आपको दोष नहीं लगेगा। तो आइए, मुझे इसमें से तुलसी की पत्ती नहीं भूननी है, और मुझे कुछ भूनना नहीं, सिर्फ नमी निकालनी है, जिससे ये मसाले अच्छे से
मिक्सी जार में पिस जाए। इसको हम सिलवट्टे से पीसेंगे क्योंकि ये मोटी है, ये जो भी थोड़ा मुझे मोटा लग रहा है मैं सिलवट्टे से उसको कूट लूँगी, और आपके पास जो भी हो चीज़ उससे आप कूट लें, तो मैं ये कूटूंगी और बाद बाकी मसालों की मैं नमी पहले निकालूंगी। तो हमने गैस पे पैन रख दिया है, ये पैन गरम हो रहा है, इसको मुझे बिल्कुल जलाने नहीं, कलर भी नहीं बदलना, सिर्फ नमी निकालनी है। और यहाँ पे आप मेथी दाना जरूर मिलाएं, आपके पेट की संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो इसको दूर करती है, और बहुत ही अच्छी मेथी होती है, बल्कि आप 4 से 5 दाने रोज इनको पानी में भिगो के रख दें और इनको निगल लें, जैसे आप खा पाए इनको खाएं, ये पेट के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो अब हम इनको सबको डाल रहे हैं, अजवाइन को हमें सबसे लास्ट में डालना है क्योंकि पैन मेरा गर्म हो गया, ये बिल्कुल मुझे कोई मसाले जलाने नहीं है, और सौंठ और तुलसी को मुझे इसमें नहीं भूनना है। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं एक एक करके सब कुछ, ये जायफल को भी हमने कूट लिया है, इसको भी नमी निकालनी है, और लौंग ये नहीं कि फूल वाली, कैसी भी हो, बिना फूल की हो कुछ भी है, कैसी भी हो सब चलेगी, इसको मुझे नमी निकाल देनी है। कोई कहता है डॉक्टर कहते सौंठ खाओ या दालचीनी खाओ, ऐसे तो हमारा खाना बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता है, मुमकिन ही नहीं है कि हम ऐसे खा सकते हैं। तो ये जो चाय का मसाला है, चाय सबके घर बनती है, रोज बनती है, तो ये चाय का मसाला जो है काढ़ा है, आप इसको रोज पी सकते हैं, बिल्कुल कोई भी मतलब इसमें ये भी नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं मसाले नहीं ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो नहीं खा पाते हैं, तो चाय में क्या है सब पीते हैं, तो उसमें चुटकी भर आप ये डालें, आपका गला एकदम सही रहेगा। ये मसालों की नमी निकल गई है और मुझे जितने चाहिए मैंने उतने कर लिया, अब अजवाइन मुझे इसी में ऐड कर देनी है, और हल्का सा चलाते हुए इसको भी कर लेना, गैस को हम कर देंगे बंद थोड़ी सी देर, और हल्का सा इनको होने देंगे। अब ये जब ठंडे हो जाएंगे, ठंडे होने के लिए हम इनको रख रहे हैं, तब तक हम सौंठ को कूटे ले रहे हैं सिलबट्टे पे। हमने गैस बंद कर दी, अब ये जो हमने तुलसी की पत्तियां ली अब इनको भी मिला देंगे। ये मैंने सौंठ को सिलबट्टे से देखो ऐसा कर लिया, अब ये महीन होगी मिक्सी जार में, और ये मसाले भी ठंडे हो गए, ये देखो हम छू पा रहे हैं इनको। अब हम इनको सबको मिक्सी जार में डाल के पीसेंगे, अब इसमें हम सब मसाले को ऐड कर लेंगे। ध्यान दें जो दालचीनी का टुकड़ा था उसको भी मैंने फोड़ लिया क्योंकि थोड़ी सी मोटी थी, और जो बड़ी इलायची है उसके भी दाने निकाल लिए उसके, लेकिन छिक्कर मैंने नहीं फेंके, इसी में ही है सब। अब इसको हम पीसने वाले हैं, इसी में सौंठ भी ऐड कर लेंगे। ये हमने पीस लिया है, हमें ऐसे पीसना है, ये देखो बहुत ही अच्छा पीस गया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे कटोरी में, और हम बना रहे हैं चाय, आपको दिखाना भी है कि कितना आप ये मसाला चाय में ऐड कर रहे हैं। ये हमने यहीं पे साथ में ही 2 कप चाय बनाई है, चाय तो सभी बना लेते हैं लेकिन हाँ कुछ चीज़ जो होती है जैसे पानी जब उबलने लगे तब चाय पत्ती ऐड करें, और सब कुछ पड़ जाने के बाद, दूध भी पड़ जाने के बाद जब ये उबाल आने लगे तब आप अदरक डालें, जो अदरक तब आप बाद में सबसे डालेंगे, इस समय जैसे अब ये उबलने लगी है तो अदरक का फ्लेवर इतना बढ़िया रहता है, कुछ लोग पहले डाल देते हैं तो वो अदरक का फ्लेवर एकदम अच्छा सा नहीं आता, इसी समय हमें डालना चाहिए अदरक। और जैसे बहुत से घरों में ये होता है, कभी कभी मेरे साथ ही होता है कि अदरक नहीं है, उस समय आप ये मसाला चाय बनाइए, रोज़ ही डालिए इस मसाले को, रोज़ ही, आपके सिर में दर्द हो रहा है कैसा भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप इस मसाले को चाय में पीजिए, आपके सिर का दर्द भी आराम देगा और बढ़िया गला भी रहेगा। और दूसरी चीज़ ये कि चाय आपकी इस मसाले से बहुत ही अच्छी गाढ़ी बनती है। अब ये 2 कप में हमें कितना मसाला डालना है, ये बहुत हार्ड होता है, ध्यान दें, इतना सा बस, बहुत ज़रा सा, चुटकी भर बोल सकते हैं 2 कप के लिए, और आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसको बढ़ा लें, तो आपको 1/4 चम्मच इतना कर लेना है, और इसको पानी में अच्छे से उबाल के आधा कप रह जाए तब आप इसको ऐड करें, और ऐसे भी पी सकते हैं, छान के पिएंगे तो एक वो अच्छा सा रहेगा क्योंकि इसमें सौंठ के कुछ रेसे से हैं। अब हमें इसी समय इसमें ऐड करना है मसाला, आप सबसे लास्ट में ऐड करें, और सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए और चढ़ाया जाए और बंद कर लें, तो इसके फ्लेवर एकदम बरकरार रहेंगे। ये हमने मसाला
ऐड कर दिया, अदरक नहीं है, कोई झंझट नहीं, ये मसाला बहुत ही अच्छा चाय में लगने वाला है। तो ये चाय हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसको हम बस 10 से 12 सेकंड तक और ऐसे उबालेंगे और गैस कर देंगे बंद। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज का चाय का मसाला अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। और चाय भी रेडी है, मसाला भी मैंने आपको दिखा दिया, आप प्लीज़ ये मसाला बनाएं। अगर आप ये 50-60 रुपए का ही खर्च है मात्र, किचन में सब मिल जाएगा आपको, और यही मसाला आप मार्केट में लेने जाओगे, पहली बात तो ये मसाला आपको मिलेगा नहीं बिल्कुल भी, पता नहीं क्या होता है उसमें, मुझे नहीं, मैंने कभी नहीं लिया वो मसाला। और दूसरी चीज़, आपको ये इतना महंगा मिलने वाला है मसाला, पहली बात ऐसा होगा नहीं और बहुत महंगा मिलेगा। तो आप घर में बनाइए इसको, और सबका ध्यान रखिए, जैसे कोरोना फिर से हो रहा है तो बच्चों का ध्यान रखिए खास तौर से। और मैं आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, इतने कम समय में 2000 मेरे व्यूज़ हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। बस आपका यही सपोर्ट मुझे चाहिए कि आप मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और आगे मुझे बढ़ाते रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।